अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। माय नेम इज़ आशा सदीका एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर। अब अक्सर लोग कहते हैं आस्ता बोला करें, अब उनको क्या पता इतनी गर्मी में पंखे शंखे सब कुछ बंद करके बहुत वीडियो बनानी होती है, तो फिर होता है जल्दी जल्दी बस वीडियो ख़त्म करो और पंखा चला लो। खैर, अब सबसे पहले हम आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे। तो बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर का सबसे पहले हम डिफरेंशियल डायग्नोस करेंगे, नॉर्मल अपीयरेंस कंसर्न है या कोई नोटिसेबल फिजिकल डिफेक्ट है। ठीक है, नॉर्मल अपीयरेंस कंसर्न तब होंगे जब वो बस कहे कि अच्छा ये एक मसला है, ये बर्थ मार्क है। चलो बर्थ मार्क तो फिजिकल डिफेक्ट में आ जाता है अगर बर्थ मार्क जो है वो बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है तब। लेकिन अगर उसको अपने हेयर्स के बारे में कोई कंसर्न है कि मेरे हेयर कर्ली हैं या स्ट्रेट हैं, या फिर अगर उसको अपने हाथों के बारे में, अपने फिंगर्स की शेप के बारे में, नेल शेप के बारे में कोई भी कंसर्न है और उस कंसर्न के बारे में सिर्फ वो बातें कर रहा है, और उस कंसर्न से अगर उसके फंक्शनल एरियाज डिस्टर्ब नहीं हो रहे, उस पर डिस्ट्रेस नहीं आ रहा, तो फिर हम नॉर्मल अपीयरेंस कंसर्न ही कहेंगे। लेकिन अगर वो किसी एक चीज़ की वजह से, अपनी किसी एक बॉडी पार्ट की वजह से या बॉडी या फिजिकल अपीयरेंस की वजह से बहुत ज़्यादा कंसर्न है और उस कंसर्न की वजह से वो एक रिपीटेटिव बिहेवियर भी बार बार कर रहा है, और रिपीटेटिव बिहेवियर बार बार करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है उसके ये सारे अमल, और ये टाइम उधर बहुत ज़्यादा लग जाता है जिसकी वजह से उसकी फंक्शनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, और तो और उस पर्सन में डिस्ट्रेस्ड भी है, तो फिर हम उसको कह देंगे बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। और डिफरेंस बहुत बारीक सा है लेकिन आपको समझ आ रहा है कि अगर कोई बंदा परेशान हो रहा है एक मसले की वजह से, डिप्रेस्ड हो रहा है, डिस्ट्रेस्ड है, और तो और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, रिपीटेटिव बिहेवियर बार बार कर रहा है, जैसे वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक अमल है उसका वो बिहेवियर, तो फिर बॉडी डिसमॉर्फिक पे आ जाएंगे। अब है फिजिकल अपीयरेंस। एक फिजिकल अपीयरेंस है, उस फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल डिफेक्ट की वजह से, फिजिकल डिफेक्ट में कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, फिजिकल डिफेक्ट में कोई भी एक प्रोमिनेंट बर्थ मार्क और कुछ भी ऐसा फिजिकल हो सकता है जो कि नेचुरली है और जस्टिफाइबल है। अगर उस चीज़ को लेकर अगर एक पर्सन जो है वो ये परेशानी पाले कि मेरी बॉडी ऐसे है या ये ऐसे है, तो वो एक जस्टिफाइबल हो जाए तो वो फिज़िकल डिफेक्ट में आ जाएगी, और फिर हम उसमें बॉडी डिसमॉर्फिक जो उनसे वो डायग्नोस नहीं करते। ऑल्दो अगर स्किन पिकिंग है, स्किन पिकिंग जो उनसे है वो बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर की एक सिम्टम हो सकती है, जिसकी वजह से एक स्किन में एक निशान पड़ जाए और एक ब्लिज़म हो जाए। तो अगर स्किन पिकिंग की वजह से अगर ब्लिज़म आए हैं और स्किन में निशान आए हैं, तो फिर भी हम लोग बॉडी डिसमॉर्फिक जोन से वो डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद हम ईटिंग डिसऑर्डर देखते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर और बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर अक्सर कॉमोबिडिटी में भी देखे जा सकते हैं, और हमने ईटिंग डिसऑर्डर में क्या है उसका मेन कंसर्न है, ईटिंग डिसऑर्डर में वो खाता नहीं है और उसका मेन कंसर्न होता है ओवरवेट। ठीक है, उसका मेन कंसर्न है मोटे हो जाना और ओवरवेट, जिसकी वजह से वो खाने के साथ कोई ना कोई हरकत उसकी आ रही है हमारे सामने। लेकिन अगर बॉडी डिसमॉर्फिक में भी ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ अपने वेट के बारे में कंसर्न हो कि मेरा वेट ज़्यादा है, और इस चीज़ को लेके वो कोई दूसरा अमल, कोई ऐसा रिपीटेटिव बिहेवियर कर रहा है जिसकी वजह से टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है, और वो खाने के साथ कोई काम नहीं है, लाइक खाना तो वो अपनी रूटीन का ही खा रहा है, ठीक, लेकिन जिस तरह खाना चाहिए वो उसी तरह खा रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्नड है, बहुत ज़्यादा परेशान है, वॉक कर रहा है बार बार, कोई ऐसी अनहेल्दी पतले होने की मेडिकेशंस ले रहा है या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है बार बार कि बस मैं पतला हो जाऊँ, लेकिन खाना जो है वो नॉर्मल है, तो फिर हम बॉडी डिसमॉर्फिक की तरफ आ सकते हैं। लेकिन अगर ईटिंग भी उसकी डिस्टर्ब्ड है और साथ में कंसर्न है फिज़िकल अपीयरेंस का, तो ये कॉमोबिडिटी में भी आ सकते हैं जैसे कि इधर लिखा है। अच्छा, उसके बाद ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर। हाँ, ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर में बहुत से कंटेंट आ जाते हैं, ठीक है, रिलीजियस आ जाता है, डर्ट कंटेमिनेशन आ जाते हैं, सेक्सुअल भी आ जाते हैं, सेक्सुअल कंटेंट के भी आ जाते हैं थॉट्स, और थॉट्स किसी भी नेचर के हो सकते हैं, ठीक, लेकिन जब बॉडी को लेके हो, अपनी खुद की फिजिकल अपीयरेंस को लेके किसी के कंसर्न्स हो, तो वो फिर बॉडी डिसमॉर्फिक में आएंगे। ठीक है, अगर अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेके वो इतना कंसर्नड हो कि कोई रिपीटेटिव बिहेवियर कर रहा हो और उस रिपीटेटिव बिहेवियर में बहुत ज़्यादा प्रीऑक्यूपेशन भी हो उसको,
और वो रिपीटेटिव बिहेवियर भी हो, मतलब कि ऑब्सेशंस और कंपल्शंस दोनों का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, लेकिन बॉडी के रिलेटेड है, ठीक है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के रिलेटेड है, तो फिर हम बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर की तरफ आएंगे। अगर फिजिकल अपीयरेंस इन्वॉल्व नहीं है और किसी दूसरे कॉन्टेक्स में प्री ऑक्यूपेशन और रिपीटेटिव बिहेवियर्स हैं तो फिर हम ओसीडी डायग्नोज कर देंगे। अच्छा, अब नॉर्मली दूसरे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात करते हैं। अब स्किन पिकिंग जो सी है वो है अपनी अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, कोई स्किन डिफेक्ट है और अपनी स्किन को इम्प्रूव करने के लिए वो स्किन पिकिंग करती है, ठीक है, एक्सकोरिएशन, ठीक है, तो फिर हम बॉडी डिसमॉर्फिक ही डायग्नोज करेंगे एक्सकोरिएशन स्किन पिकिंग डिसऑर्डर की बजाय, ठीक है। और अगर वो हेयर रिमूव कर रही है और हेयर रिमूव करने से उसके कोई बॉडी कंसर्न है, लाइक के हमारे आर्म्स में या फिर उसके सर्टेन एरिया में बहुत हेयर्स हैं, उन हेयर्स को वो जानबूझ के पिक कर रही है, निकाल रही है ताकि एक क्लीन हेयर, मतलब हेयरलेस आर्म्स मिल जाए, मैं वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, अपने बाजों से बाल खींच रही है कि जी मेरे बाजों से बाल निकल जाएं और मेरे बाजू जो से हैं वो हेयरलेस और बिल्कुल स्मूथ और सिल्की सी स्किन और अच्छी सी स्किन निकले। तो यहाँ पर वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से बाल खींच रही है, किसी दूसरी वजह से बाल नहीं खींच रही, ठीक है, उसका ये एक बिहेवियर जो उनसे अपने फिजिकल कंसर्न्स की वजह से है। तो फिर यहाँ पर भी हम लोग ट्रिकोटिलोमैनिया की बजाय, हेयर पिकिंग डिसऑर्डर की बजाय बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर ही डायग्नोस करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में एक इंडिविजुअल जो है उसको बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर में उस बंदे को कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई ख़तरा नहीं महसूस होता कि मुझे ये बीमारी हो सकती है, मुझे ये बीमारी हो सकती है। उस बंदे को सिंपली अपनी अपीयरेंस से लेके प्रॉब्लम है कि मेरी अपीयरेंस ऐसी क्यों है, या मेरी अपीयरेंस में ये एक फॉल्ट है और ये फॉल्ट मुझे ऐसे करना है, या ये फॉल्ट ऐसे है, इसको ये करना है, इसको वो करना है, तो उस रिलेटेड जोन से ये हमारा प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे कोई सोमेटिजेशन का लेवल नहीं है, ना एलिवेटेड लेवल ऑफ सोमेटिजेशन है, लाइक के फलानी जगह दर्द हो रहा है, ऐसा महसूस होता है, ये होता है, मेरी यहाँ से दर्द शुरू होकर यहाँ को जाता है, इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं है। उसकी वजह एक फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेके कोई मसला है उसका, जो उसके उसको अपने ख्याल में लगता है, तो वो चीज़ अलग से है। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर अलग से है, ठीक, कि इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में कि मुझे फलानी बीमारी लग जाएगी, इस चीज़ की परेशानी, और वर्स्ट एंजाइटी की वजह से वो वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो और वर्स्ट इम्पॉसिबल सिनेरियो उसको देख रहा है। और बॉडी डिसमॉर्फिक में उसके सामने उसका एक डिफेक्ट है जिसको वो कवर अप करने के लिए एक रिपीटेटिव बिहेवियर कर रहा है। तो ये दो डिफरेंस है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में और बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर में। अब हमारे पास है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर में ना अक्सर, जैसे कि हमने पिछले भी बात की, सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस देखने पे आता है। इसी तरह बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर को हमने डिफरेंशिएट करना होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से। लेकिन हम ये भी बात करते हैं कि एज सच कि आपको सेकंड पॉइंट में नज़र भी आ रहा होगा कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और मेजर डिप्रेसिव सिम्टम्स जो से हैं वो बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर के इंडिविजुअल्स में नज़र आते हैं। डिप्रेसिव सिम्टम्स बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर के पेशेंट में नज़र आते हैं, और एज अ सेकेंडरी डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट ये बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर की वजह से ही हो रहा होता है, कि बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर की वजह से एक सेकेंडरी सिम्टम जो से है एज अ डिप्रेस वो प्रेजेंट होते हैं, और सेकेंडरी सिम्टम्स में डिप्रेशन और डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं, लाइक रोई जाना, ओवरली कंसर्न, लो मूड, ठीक है। और बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर क्या है, बॉडीली कंसर्न्स, फिजिकल अपीयरेंस। तो यहाँ पे हम लोग अगर हमारा बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर का क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा होगा और साथ में डिप्रेशन का भी क्राइटेरिया फुलफ़िल होगा तो हम लोग बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर ही उसको डायग्नोस करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास डिप्रेशन का क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है और बॉडी डिसमॉर्फिक का क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हो रहा तो फिर हम डिप्रेशन डायग्नोस कर देंगे। लेकिन अगर बॉडी डिसमॉर्फिक का क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है तो फॉर श्योर बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर ही है, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर तो पहले ही बात कर दी कि बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर में एज अ सेकेंडरी सिम्टम डिप्रेसिव सिम्टम्स आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंजाइटी डिसऑर्डर्स लाइक सोशल एंजाइटी एंड अवॉइडेंस जो सी है वो बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर में कॉमन है। उसको पहले ही लगता है प्री ऑक्यूपेशन है, उसकी पहले ही एक प्री ऑक्यूपेशन है अपनी बॉडी पार्ट को लेके, अपनी बॉडी, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेके उसकी पहले ही प्री ऑक्यूपेशन है। और ऐसे में वो लोगों के सामने जाने से कतराएगा और अवॉइड कर हर पॉसिबल अवॉइडेंस करेगा, हर पॉसिबल तरीका ढूंढेगा जिससे वो सोशलाइजेशन या पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड कर सके ताकि लोग उसको नेगेटिवली जज ना करें, ठीक है। तो सोशल एंजाइटी और अवॉइडेंस जो है वो कॉमन है बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर में। अब अगर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, लेकिन सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, अगोराफोबिया, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, इन सब में एक चीज़ इंक्लूड है अपीयरेंस रिलेटेड प्री ऑक्यूपेशन विच में बी डिल्यूशनल और रिपीटेटिव बिहेवियर्स।
ठीक है, बॉडी. अब अगर हम सोशल एंजाइटी की बात करें, एगोराफोबिया और अवॉइडेंट पर्सनैलिटी की बात करें ना, उनमें उनकी कुछ अपनी प्रीऑक्यूपेशंस होती हैं कि लोग नेगेटिवली जज करेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. लेकिन अगर उसकी वो प्रीऑक्यूपेशन जो उनसे है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के लिए रेलिवेंट है कि मेरी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर लोग मुझे नेगेटिवली जज करेंगे, मेरी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर लोग मुझे ऐसे कहेंगे, मेरी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर ऐसे ऐसे होगा, और उस एक फिजिकल अपीयरेंस की प्रीऑक्यूपेशन की वजह से जो कि डिल्यूजनली नेचर हो चुकी है, साथ ही साथ वो एक रिपीटेटिव बिहेवियर भी, सर्टेन रिपीटेटिव बिहेवियर भी बार बार कर रहा है, ठीक है, तो फिर हम इस चीज़ को लेके बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर की तरफ आ जाएंगे. लेकिन अगर उसको सोशलाइजेशन और इन सब चीज़ों से सिर्फ इसलिए मसला है, वो बस जाना ही नहीं चाहता, और अगोराफोबिया और इन सब चीज़ों का ऐसा है, पब्लिक प्लेसेस का ही बस डर है उसको, लोगों का ही बस डर है, और लोगों के सामने परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, लेकिन उसकी प्रीऑक्यूपेशन अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर नहीं है, उसको कोई थॉट नहीं है अपनी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, तो फिर हम उन सारे डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ जाएंगे. लेकिन अगर फिजिकल अपीयरेंस को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल अपीयरेंस की वजह से उसको लगता है कि वो लोग उसको नेगेटिवली इवेल्युएट करेंगे, और फिजिकल अपीयरेंस की वजह से वो रिपीटेटिव बिहेवियर्स भी कर रहा है और डिल्यूजनल इन नेचर है उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में जो उसके बिलीव्स हैं, तो फिर हम इसको बॉडी डिसमॉर्फिक की तरफ जाएंगे. मैं हर चीज़ दो दो बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अभी से याद हो जाए और अच्छे से याद हो जाए, ठीक है. अब सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और अवॉइडेंस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एट्रीब्यूट करते हैं बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर को, लाइक परसीव्ड अपीयरेंस डिफेक्ट्स, ठीक है, बिलीव्स और फियर डैट अदर पीपल कंसीडर द इंडिविजुअल अगली, रिकूल दैम, रिजेक्ट दैम, वो सारी जो मैं पहले बात कर चुकी हूँ वही सारे हैं. अनलाइक जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी और वरी इन बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर फोकस ऑन परसीव्ड अपीयरेंस फ्लॉ, वही चीज़ जो पहले बात कर चुकी हूँ कि बॉडी डिसमॉर्फिक में परसीव्ड अपीयरेंस फ्लॉज की बात करते हैं, ठीक है, जो उसके ख्याल से हैं, जो उसके ख्याल से फ्लॉज हैं, कहाँ खामियाँ हैं उसकी अपीयरेंस में. और हम जनरल एंजाइटी और दूसरी एंजाइटी, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर्स में और एंजाइटी में दूसरी बातों की बात करते हैं जो जनरली लोगों को लेके, पब्लिक प्लेसेस को लेके, कुछ सिमिलर चीज़ें भी हैं, वो भी हमने बात करी कि लोग हमें रिजेक्ट करेंगे, मैं अगली दिख रहा हूँ, मेरे फिजिकल फीचर्स नहीं अच्छे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे नेगेटिवली इवैल्यूएट करेंगे, ये दोनों में कॉमन सिम्टम्स आ जाते हैं. उसके बाद हम साइकोटिक डिसऑर्डर में आते हैं. साइकोटिक डिसऑर्डर में ऐसा हो सकता है कि एक इंसान को अपने ही अपीयरेंस के बारे में कुछ नेगेटिव बिलीव्स या फिर कुछ डिल्यूजनल अपीयरेंस बिलीव्स बन जाए, ठीक है, कम्प्लीटली कॉन्विक्शन डैट देयर व्यूज़ ऑफ देयर परसीव्ड इफेक्ट्स इज एक्यूरेट, और ऐसा भी हो, और वो बिल्कुल ही ऐसे हों कि जी मेरे तो बिलीव्स जो उनसे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है कि मेरी अपीयरेंस तो ऐसी ही है और ये ऐसे ही हो सकता है. अब इसमें क्या है कि इसमें उनकी इनसाइट नहीं प्रेजेंट, उनकी एबसेंट है इनसाइट डिल्यूजनल बिलीव्स के बारे में, डिल्यूजनल डिसऑर्डर इसको नहीं करेंगे. लेकिन अगर उसकी एबसेंट एजेंसी है, इनसाइट एबसेंट है और डिल्यूजनल बिलीव्स भी हैं उसके, ठीक है, और अपीयरेंस रिलेटेड आइडियाज़ हैं, डिल्यूजनल डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉमन इन बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर. अब डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस जो उनसे हैं वो बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर में तो कॉमन है, थिंकिंग डैट अदर पीपल टेक स्पेशल नोटिस इन अ नेगेटिव वे बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल अपीयरेंस, उनकी ये एक जो सा थॉट है, ये एक डिल्यूजनल के लोग उसके अपीयरेंस को लेके उसके बारे में मनफी सोचे रखेंगे, ये तो एक कॉमन है बॉडी डिसमॉर्फिक में. लेकिन स्किजोफ्रेनिया, स्किजोअफेक्टिव डिसऑर्डर में की तरह बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर इवॉल्व्स प्रोमिनेंट अपीयरेंस प्रीऑक्यूपेशन, वही चीज़ दोबारा से हम बात कर रहे हैं कि स्किजोफ्रेनिया, स्किजोअफेक्टिव में बस उसको डिल्यूजन होगा और उस डिल्यूजन पे कोई ना कोई एक बवाल, कोई ना एक बात और एक फिक्सेशन होगी और एबसेंट इनसाइट होगी. लेकिन जब हम बात करते हैं बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर की, हम बात करते हैं रिपीटेटिव बिहेवियर्स की, हम बात करते हैं प्रीऑक्यूपेशन की कि वो अपने सर्टेन बॉडी फिजिकल डिफेक्ट को, फिजिकल अपीयरेंस के फ्लो को लेके प्रीऑक्यूपाइड है और उस प्रीऑक्यूपेशन की वजह से वो एक रिपीटेटिव बिहेवियर भी सरंजाम दे रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज्ड हो रहा है और अदर साइकोटिक सिम्टम्स भी एब्सेंट हैं. साइकोसिस का पूरा, स्किजोफ्रेनिया का या साइकोसिस का पूरा क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं हो रहा, तो फिर हम जा रहे हैं साइकोटिक डिसऑर्डर के साथ ही. सिर्फ हम अपीयरेंस के बिलीव्स के बेस पे उसको डिल्यूजनल नहीं कह सकते, क्योंकि हम पहली बात कर रहे हैं कि हाँ उनका एक डिल्यूजनल बिलीफ होता है कि लोग उसकी अपीयरेंस को लेके उनको नेगेटिवली इवैल्यूएट करेंगे. अब वो लोग जिनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव होते हैं रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, वॉरंट द एब्सेंट इनसाइड डिल्यूजनल बिलीफ स्पेसिफायर, दीज सिम्टम्स शुड नॉट बी डायग्नोज एज अ साइकोटिक डिसऑर्डर. क्योंकि अगर हम ओसीडी और ओसीडी के दूसरे डिसऑर्डर्स की बात करें तो उनमें ना एक स्पेसिफायर है कि एब्सेंट इनसाइट है
या फिर डिल्यूशनल बिलीफ भी हैं उसके साथ, तो फिर हम डिल्यूशनल बिलीफ वाले स्पेसिफायर के साथ चले जाएंगे बाकायदा एक डिल्यूशनल बिलीफ का क्राइटेरिया फिट करने की बजाय हम उसके पेरेंट्स के कंसर्न्स को और उसके एक डिल्यूशनल बिलीफ को लेके स्पेसिफायर लगा देंगे। आई होप सो ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया। बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर शुड नॉट बी डायग्नोस्ड इफ़ द प्रीऑक्यूपेशन इज लिमिटेड टू डिसकम्फर्ट, कि हम बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर फिर कभी भी डायग्नोस नहीं कर सकते अगर वो सिर्फ इस वजह से प्रॉब्लम है क्योंकि वो डिसकम्फर्ट फील करता है और उसकी एक डिज़ायर है कि किसी ना किसी तरह वो अगर हम तब भी नहीं डायग्नोस करेंगे लाइक अगर वो अपने जेंडर से अपने सर्टेन जेंडर से खुश नहीं है और वो अपने उस जेंडर करैक्टरिस्टिक से छुटकारा जाना पाना चाहता है, ठीक है, या फिर वो बंदा जो कि जेंडर डिसफोरिया के साथ है उस बंदों को भी हम ये बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं कर सकते, ठीक है। बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर हम तब डायग्नोस करेंगे अगर उसकी प्रीऑक्यूपेशन फोकस करती है उसकी इस बिलीफ्स पे कि मे बी उसके जिस्म से कोई बदबू आ रही है, ठीक है, मे बी उसकी बॉडी ऑर्डर जो सी है उसकी जो सी जिस्म से जो बदबू आ रही है वो कोई वो किसी इंसान को जो से है वो ना किसी इंसान को परेशान कर रही है, इसको हम ऑल्फैक्टरी रेफरेंस डिसऑर्डर कह सकते हैं और ये एक एग्जांपल है ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर की DSM-5 में, ठीक है। और बॉडी इंटीग्रिटी, अब मैंने यहाँ पे क्या बात की, यहाँ पे मैंने दो बातें की, अगर एक बंदे को जेंडर डिसफोरिया है मतलब कि उसके सेकेंडरी सेक्स प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स से वो छुटकारा पाना चाहता है और अपने सर्टेन सेक्स करैक्टरिस्टिक्स में वो डिसकंफर्ट फील कर रहा है तो हम बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर उसको डायग्नोस नहीं करेंगे। दूसरी मैंने बात की कि हम बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर तब भी डायग्नोस नहीं करेंगे अगर उसकी प्रीऑक्यूपेशन जो उनसे वो कुछ ऐसा बिलीव है कि मेरी जिस्म से कुछ बू आ रही है और उस बू की वजह से जो उनसे इर्द गिर्द के लोग हैं वो मुझसे परेशान हो रहे हैं, और ऐसा पेशेंट मैंने देखा भी है, ठीक है, ऐसा पेशेंट मैंने देखा भी है कि मे बी मेरे फेस एक्सप्रेशंस नहीं अच्छे, मे बी मेरी क्लॉथ से मेरे मुझसे कोई ऐसा ऑर्डर आ रहा है, कोई ऐसी स्मेल आ रही है जिससे मेरे इर्द गिर्द के लोग डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं और अपनी नोज को रब कर रहे हैं, ऐसे कुछ थे उसके कंसर्न्स ना, और ये मैंने सर्टेन पीपल देखे हैं ऐसे। अच्छा, उसके बाद है बॉडी इंटीग्रिटी डिस्फोरिया। बॉडी इंटीग्रिटी डिस्फोरिया इंक्लूड विच इज़ इंक्लूडेड इन ICD-11 बट नॉट DSM-5, ठीक है, ये ICD-11 में तो है बॉडी इंटीग्रिटी डिस्फोरिया लेकिन ये DSM-5 में नहीं है, और इसमें परसिस्टेंट डिज़ायर होती है टू बिकम एन इम्पुटी इन ऑर्डर टू करेक्ट अ मिसमैच बिटवीन द इंडिविजुअल सेंस ऑफ हाउ हीज़ और हर बॉडी शुड बी कॉन्फिगर्ड एंड हीज़ और हर एक्चुअल एनाटॉमिकल कॉन्फिग्रेशन, के एक इंसान को जब फील होता है ना कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, और उस एक चीज़ की वजह से वो ऑपरेट करवाने को भी तैयार हो और ऑपरेट करवा के उस चीज़ को वो करेक्ट करना चाह रहा हो जो उसके अकॉर्डिंग मिसमैच्ड है और बिल्कुल ठीक नहीं है, तो उस चीज़ को बॉडी इंटीग्रिटी डिसफोरिया कहेंगे। अब बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर जो है इंडिविजुअल डज नॉट फील दैट द लिम टू बी एम्पुटेटेड इज एग्ली और डिफेक्टिव इन एनी वे जस्ट दैट इट शुड नॉट बी देयर, ठीक। अब बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर में क्या है, वो बंदा ये नहीं कहेगा कि मुझे ये चीज़ जो है कटवा देनी चाहिए, ख़त्म करा देनी चाहिए क्योंकि ये अच्छी नहीं लगती, ये डिफेक्टिव है और ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, इन वजूहात की वजह से बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर का पेशेंट कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मुझे इसको कटवा देना चाहिए या मुझे इस पर ऑपरेट करवा लेना चाहिए, एम्पुटेट करवा देना चाहिए, ठीक। अब कोरो एक है जिसमें ना कंसर्न थे ये कुछ लोगों के, एक सर्टेन कम्युनिटी या उसमें कोरो है, कोरो में मतलब कि उनको कंसर्न्स होते थे अपने जेनिटल पार्ट्स के बारे में और दूसरे जेंडर स्पेसिफिक ऑर्गन्स के बारे में कंसर्न्स होते थे और उनको होता था कि ये सर्टेन लेवल पे जाके तो इन चीज़ों की वजह से हमारी डेथ हो सकती है, ठीक है। अब उनको तो था कि ये अपने उन बॉडी पार्ट्स को लेके इनके कंसर्न्स थे कि मे बी इनकी वजह से हमारी मौत वाकया हो जाएगी अगर ये ऐसे ही होते रहे या ऐसे ही सर्टेन कंडीशन में रहे, तो अगर उस अपनी मौत को लेके अगर वो परेशान थे ना तो फिर यहाँ पे हम बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। अगर वो उसकी अग्लीनेस को लेके प्रीऑक्यूपाइड होते तो फिर हम कह सकते थे कि इन लोगों को बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर है, ठीक। अब डिसफोरिक कंसर्न्स विच इज़ नॉट अ DSM-5 TR डिसऑर्डर
इज़ अ ब्रॉडर कंस्ट्रक्ट दैट इज सिमिलर टू बट नॉट इक्वलेंट टू बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर डिस्फोरिक कंसर्न, जो कि DSM-5 में नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर के इक्वलेंट नहीं है। और इसमें क्या है कि इसमें हर चीज़ सिम्पटम रिफ्लेक्ट करते हैं, ओवर कंसर्न विद स्लाइट और इमेज्ड फ्लॉज इन अपीयरेंस, के कोई भी थोड़ा सा या कोई भी तस्वरी अगर हमें कमी पेशी लग रही है अपनी अपीयरेंस पे, तो फिर हम उसके बारे में कंसर्न हो जाएँ या ओवर कंसर्न हो जाएँ, तो उस चीज़ को हम कहेंगे डिस्फोरिक कंसर्न। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट जो है ना डिस्फोरिक कंसर्न की डेफिनेशन है। अब हम कॉमोडिटीज़ की बात कर देते हैं। कॉमोरबिडिटीज़ में हम बात करते हैं सबसे पहले मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के, जो कि मोस्ट कॉमन कॉमोबिट डिसऑर्डर है बॉडी डिस्फोरिक डिसऑर्डर के साथ। उसके बाद सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी, सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, ये सारी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि एनाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स वो बंदा लेगा, ठीक है, अगर उसके मसल डिस्फोरफिया फॉर्म ऑफ बॉडी डिस्फोरिक डिसऑर्डर होगा कि मसल्स के बारे में अगर उसको अपने कंसर्न होगा, तो वो मे भी स्टेरॉइड्स ले सकता है, एनाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, ठीक है, ताकि उसके वो बॉडी मसल्स जो हैं वो प्रोमिनेंट मतलब बिल्कुल ठीक हो जाएं। तो ये कॉमन है। तो ओसीडी, सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर और सोशल एंग्जाइटी और सब्सटेंस रिलेटेड क्यों, अगर वो स्टेरॉइड्स ले रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ ले रहा है ताकि उसका फ्लो जो है वो कवर अप हो सके, इस वजह से। और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये सारे जो से कॉमोबिट हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ भी आई है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बहुत मेहनत से और बहुत पसीने बहा बहा के वीडियो बनती है। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और जो भी आपके कंसर्न्स हैं, जो समझ नहीं आया, यू मे आस्क ऑन अ कमेंट बॉक्स और जस्ट कम टू द इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम में आप वो कंसर्न क्लियर कर लें। मैंने हर चीज़ दो दो बार एक्सप्लेन करके वीडियो बेशक बहुत लंबी हो गई है, लेकिन की है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।